हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ या फिर इसका उपयोग कहाँ होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है ऐसे एक्शन या फिर ऐसे कार्य जो आप बोल रहे हैं उस दौरान अगर वो हो रहे हैं तो आप उसको दर्शाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वह खेल रही हैं तो यहाँ पर दे आर प्लेइंग, तो ये एग्जाम्पल हो गया है। राकेश क्रिकेट खेल रहा है, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, इन दोनों एग्जाम्पल में जो आप बोल रहे हैं वो उस दौरान भी खेल रहे हैं। अगला है रेगुलर प्रोसेस या प्रोग्रेस में कोई कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जो एक दिन में नहीं कंप्लीट होते, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नोवेल लिखना है ना या फिर उपन्यास जो लिखना होता है वो एक दिन में नहीं होता है, उसको महीने या साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस में हो रहा है। तो ऐसे कार्यों को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल वही, सी इज राइटिंग नोवेल, सी टू इज रीडिंग इन क्लास 12, जरूरी नहीं हो अभी भी 12th में पढ़ रहा है लेकिन वो 12th क्लास में जाता है ना, डेली बेसिस पर प्रोग्रेस में है वो वर्क। अगला है टेम्प्रेरी एक्शन, ऐसे वर्क जो आपके टेम्प्रेरी है कुछ समय के लिए हैं उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, किराए के मकान में कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी है, तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। ऐसे ही वह इन दिनों फिजिक्स पढ़ रही है, सी स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, तो ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अगला है नियरेस्ट फ्यूचर में कभी भी कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है या प्लान है आपका, तो फिक्स्ड प्लान, तो आप उसको जो है शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे जीजाजी कल आ रहे हैं, फिर से वही है ना, आपका फ्यूचर में हो रहा है लेकिन आप प्रेजेंट में कर रहे हो क्योंकि टेंस और टाइम दोनों अलग कंसेप्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो माई ब्रदर इन लॉ इज कमिंग टुमारो, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, वे आज शाम गा रही है, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, है ना, बाद में फ्यूचर में गाएगी, अभी नहीं गा रही है, लेकिन इसको भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगला है टाइम वर्ड्स, प्रेजेंट को जो शो करते हैं नॉर्मली ऐसे टाइम वर्ड जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, इस प्रकार के टाइम वर्ड जो है जनरली आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। जैसे ही इज रीडिंग ए नॉवल नाउ, है ना, अभी पढ़ रहा है, सी इज निटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, तो ये एग्जाम्पल हो गया, वी आर हैविंग ए पार्टी दिस इवनिंग, ये एग्जाम्पल हो गया, और मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपके टाइम वर्ड्स नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज होते हैं। अगला है स्टैटिक वर्ड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। स्टैटिक वर्ड और एक्शन वर्ब में दिन रात का अंतर होता है। स्टैटिक वर्ब जो है स्टेट को शो करती है और एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब, तो स्टैटिक वर्ब को हम यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इनको हमने 5 भागों में बांटा, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, है ना, आपकी सेंसेस से क्या क्या परसीव करते हो आप, जैसे सुन सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट या फील कर सकते हो, इस प्रकार के वर्ब्स जो है आप नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपके लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर, ना इस प्रकार के वर्ड्स हैं, इनका आप यूज़ नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में इनका यूज़ होगा। अगला है वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो आपके भावनाओं को शो करें, जैसे वांट, डिजायर, विश, इस प्रकार के जो है वर्ब्स आप यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे ना, मेनली आप किस में यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे आप। अगला है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, है ना, इस प्रकार के जो आपके सोचने की क्रिया को शो करें, ऐसे वर्ब्स या वर्ड्स आप यूज़ नहीं करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इनको भी आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना इनका यूज़ नहीं करना है। अगला है आपका वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जिसमें आपका पोजेशन शो हो, है ना, या फिर बिलोंगिंग शो हो, जैसे बिलोंग, ओन, पोजेस, कंटेन, हैव, तो इन वर्ब्स का भी आपने यूज़ नहीं करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इनका यूज़ भी सिंपल प्रेजेंट में होता है। अगला है इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, जैसे वी आर सीइंग विद आवर आइज, इसको हम बेसिकली, ये गलत होगा बोलना कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सेंटेंस इंग्लिश में गलत होगा, है ना, तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, वी सी विद आवर आइज। ऐसे ही एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे लास्ट, आई एम हैविंग ए कार, है ना, तो ये आप गलत होगा, मेरे पास एक गाड़ी है, है ना, आई हैव ए कार, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, ना कि आप कंटिन्यूस में यूज़ करोगे आई एम हैविंग कार, तो ये सेंटेंसेस गलत होंगे एक तरीके से, तो आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। स्टैटिक वर्ब को नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी बोला जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैटिक वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब को यूज़ कर ही नहीं सकते प्रेजेंट कंटिन्यूस में, है ना, कुछ केसेस में यूज़ होता भी है ये, जैसे आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद द पजल, तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हैविंग यूज हुआ है, सीइंग यूज हुआ है, आई एम सीइंग माय लवर टुडे, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे स्टैटिक वर्ब का यूज हुआ है। अब कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, नॉर्मल अगर इनके मीनिंग की बात करें तो ये यूज़ नहीं होते, लेकिन आपको अगर इनको अच्छे से समझना, तो
जो वर्ब्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके डीपर मीनिंग पर ध्यान देना है, या फिर आप सेंटेंस में क्या शो करना चाहते हो तो उस चीज़ को ध्यान देते हुए आपने इनका यूज़ करना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ बेसिक इसके यूज़ और रूल्स, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।